राष्ट्र का परचम गगन को चूम कर लहरा रहा, पर्तमिर अज्ञानता का और भी गहरा रहा। देश की प्रतिभा सराही जा रही है विश्व में, कोटि जनता का हृदय बिन ज्ञान के कुमला रहा। कोटि जनता का हृदय बिन ज्ञान के कुमला रहा। आइए हम ज्ञान का दीपक जलाएं, आइए अक्षर सुधारस का पिलाएं, हम बचाएं लाज अपने पूर्वजों की, विश्व के गुरु की मिली थी इनको संज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। हस्तो मां सर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्यो विशाल बुद्धि फुल्लारविंदायत पात्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। आप आएंगे पिताजी? बेटा इस बार तुम ही पूजन कर लेना और मेरी ओर से स्टाफ को वसंत पंचमी की बधाई भी दे देना। ठीक है पिताजी, तो मैं निकलता हूँ। हेलो। हाँ हाँ बेटा अक्षय, चिरंजीवी रहो, कैसे हो? हाँ माँ सरस्वती की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। दीजिए ना प्लीज। अच्छा बेटा तुमने आज पूजन तो कर लिया है ना? हाँ कैसा मौसम है विलायत में? हेलो, हाय भैया। हाँ भैया पता आज हमने ना वसंत पंचमी का पूजन किया, आपने किया? अरे तुम्हारे भैया के पास ना तो देवी का चित्र है ना ही मूर्ति। एक सेकंड। हाँ बेटा वो सरस्वती वंदना तो तुम्हें याद ही है ना? हाँ बस अपनी पुस्तकों का पूजन करके माँ का ध्यान कर लेना।
हाँ पुस्तकों में ही तो निवास करती हैं सरस्वती देवी। हेलो, हाँ भैया, हाँ पढ़ाई ठीक चल रही है? नहीं, माँ शायद बाहर गई हैं। आप रात को तो फोन कर रहे हो ना? हाँ बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। आज वसंत पंचमी है ना, तो आज के दिन तुम एक संकल्प लो कि परीक्षा के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दोगे। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश बेटा, खुश रहो खुश रहो। बेटी, आज तो तू अपने हाथ से एक कप चाय बनाकर पिला। जी दादू, अभी लेके आई। अरे बेटा रश्मि, तू यहाँ कब आ गई? मैं तो तुझे वहां घर में ढूंढ रहा था। दादाजी बैठिए। दादाजी मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो बेटा। दादाजी, ये ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी है ना? बेटे, सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री है। हाँ, उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ है। पर विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी नहीं है? बेटे, विष्णु जी की दोनों ही पत्नियां हैं, सरस्वती जी भी और लक्ष्मी जी भी। अंतर ये है कि सरस्वती जी की सवारी हंस है और लक्ष्मी जी की उल्लू। उल्लू? उल्लू क्यों? उसको तो दिन में दिखाई नहीं देता। हाँ हाँ बेटा, उसको दिन में दिखाई नहीं देता, इसीलिए लक्ष्मी जी रात में यात्रा करती हैं। और जानती हो, उनकी कृपा भी अक्सर उल्लुओं पर ही होती है। हाँ? मतलब जो मूर्ख और अज्ञानी होते हैं। पर दादाजी, हम तो... बेटा, हम इसके अपवाद हैं। अपवाद मतलब? रश्मि, कितनी बार कहा है हिंदी जरा ठीक से पढ़ा लिखा कर। देख, तेरा भाई विलायत में रहता है, कितनी अच्छी हिंदी बोलता है। अपवाद का मतलब बेटे एक्सेप्शन। बरसों से हमारा परिवार इसका एक्सेप्शन रहा है, इसलिए हम इन दोनों की पूजा समान रूप से करते हैं। अच्छा दादाजी, इसीलिए दोनों का पूजन समान रूप से होता है। हाँ। अच्छा बेटा, एक काम कर, तू चलकर जरा अपने पापा को फोन कर, वो अक्षय की कुछ किताबें विलायत भिजवानी है। और हाँ, उस सरस्वती जी की मूर्ति भिजवाना मत भूलना। जी दादाजी। हाँ। हेलो जी, ठीक है पहुंच जाइए, मैं अभी चलने वाला हूँ। ठीक है, वहाँ पर मिलेंगे। ओके, कितने देर में पहुँचने हैं वहाँ पर? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी उस टाइम तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। ओके ओके। और सुनाओ सतपाल, बच्चे कैसे हैं? बिटिया की पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटे से बात होती रहती है? अरे भाई, कभी उसको कहो अपने दादाजी से भी बात कर ले, कम से कम उसकी आवाज ही सुन लूंगा। देखे हुए तो उसे 1 साल हो गया। जी चाचा जी, मैं उसे बोल लूंगा, पहले भी मैंने उसे कई बार कहा है, आप तो जानते हैं, शर्मीला है ना। अरे भाई, अपने दादाजी से कैसी शर्म। अच्छा और सुनाओ, तुम्हारी फैक्ट्रियां कैसी चल रही हैं? ठीक ही चल रही हैं चाचा जी। अब तो जो कुछ करना होगा बस बेटा अमेरिका से आकर ही करेगा, मैं तो उसके आते ही बिजनेस से संन्यास ले लूंगा। चाचा जी,
अब इस माहौल में फैक्ट्री चलाना मेरे बस की बात नहीं। मुझे भी बड़ी चिंता रहती है सतपाल, हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। गांधी जी के सपनों का भारत ना जाने किस दिशा में जा रहा है। किसी को अपनी परंपराओं की ओर मुड़कर देखने की फुर्सत तक नहीं। और तो मैं नहीं जानता चाचा जी, मैं तो पिताजी और आपके बताए हुए रास्तों पर ही चलता आ रहा हूं, गांधी दर्शन का अनुसरण करता रहा, तभी तो आज लोगों ने मुझे आउटडेटेड कर दिया है। ये भटकाव क्षणिक है सतपाल, मैं फिर कहता हूं ये एक ना एक दिन इस देश को गांधी जी के बताए रास्ते पर वापस लौटना ही होगा। बिना गांधी जी के बताए मार्ग का अनुसरण किए ये देश अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। चलो ठीक है, जहां इतनी धीरज रखी है थोड़ी और सही, सब ठीक हो जाएगा। उसके यहां देर है, अंधेर नहीं। अरे आओ बेटा बैठो। बाबूजी, आज अपने ट्रस्ट के प्रसूति गृह का उद्घाटन समारोह है, उसी में जा रही हूँ, आपका आशीष चाहिए। अच्छा अच्छा, यशस्वी भव। चलती हूँ। अब मैं इस अवसर पर हमारी चेयरमैन साहिबा से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचार व्यक्त करें। आज के इस पावन अवसर पर मैं अपने आप को आप सबके बीच पाकर अपार हर्ष का अनुभव कर रही हूं। आपने जिस स्नेह और सम्मान के साथ मुझे इस ट्रस्ट की अध्यक्षा के रूप में स्वीकार किया है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मुझे खुशी है कि आज मुझे उस परंपरा को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है जिस पर हम सबको गर्व है। मेरे पति की स्वर्गीय माता श्रीमती रमा देवी की यादगार में बनाए गए इस ट्रस्ट की मैं तन मन धन से जीवन पर्यंत सेवा करूंगी। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इसी प्रकार मेरा उत्साह वर्धन करती रहें और मुझे मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद।
कैसा रहा वो आज का कार्यक्रम? ठीक रहा पिताजी, आपको सब लोग बहुत पूछ रहे थे, विशेषकर आपके क्रांतिकारी भाषणों की तो बहुत चर्चा रही। पिताजी अब आपकी बारी है, अगले महीने कॉलेज के फंक्शन में पुरस्कार वितरण के लिए आप ही मुख्य अतिथि होंगे। इस बार लोग नहीं मानने वाले, प्रिंसिपल ने कई बार मुझसे विशेष रूप से कहा है। हाँ बेटा, इच्छा तो मेरी भी बहुत होती है और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है इस तरह के कार्यक्रमों में जाना, पर क्या करूं, अब अधिक देर तक एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, और बैठकर बोलना, पुरस्कार बांटना कुछ ठीक नहीं लगता, इससे उन प्रतिभाशाली बच्चों का अपमान होता है। मैंने बताया था, प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि वो मंच पर आपके लिए विशेष व्यवस्था करने वाले हैं और समय भी ज्यादा नहीं लेंगे। चलो ठीक है, जब समय आएगा तब देखें। दद्दू, ये क्या है बेटी? दद्दू आपको याद नहीं? दद्दू आज पुरस्कार वितरण समारोह में आप मुख्य अतिथि हैं। 4 बजे वो लोग आपको लेने आ जाएंगे। और ये जो कपड़े मैंने निकाले हैं ना दद्दू, प्लीज यही पहनिएगा। और हाँ, मेरी बेइज्जती मत करवाइएगा, वरना मेरी सहेलियां कहेंगी कि रश्मि के दद्दू को भाषण देना भी नहीं आता। अरे बिटिया, मैं तुझे लिए बिना जाऊंगा ही नहीं। अच्छा एक काम करेंगे, जब तू कॉलेज से लौट आएगी तो हम दोनों साथ ही चलेंगे। हैं? फिर तू खुद ही देख लेना तेरा दद्दू कैसा भाषण देता है। ओके दद्दू, मैं लेट हो रही हूं, बाय। अच्छा बेटा। समारोह की सभापति से अनुरोध करूंगी कि वह माननीय अतिथि का आभार व्यक्त करें। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज इस विद्यालय के स्थापना दिवस पर श्री धर्मराज जी ने यहाँ पर आकर हमें कृतार्थ किया है। मैं आभारी हूँ कि आपने अपने खराब स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए भी हमारे बीच आए और हम सबका उत्साह वर्धन किया। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारे बच्चों को आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहेंगे। माननीय सभापति महोदय, गुरुजनों और प्यारे बच्चों, मैं बता नहीं सकता मुझे आप लोगों के बीच आकर कितनी खुशी होती है। इन नन्नी नन्नी प्रतिभा की कलियों को खिलते हुए देखकर मेरा मन कितना प्रसन्न होता है। मैं प्रबंधकों और गुरुजनों के बीच तो सदा ही बोलता रहा हूं, पर आज मुझे इन प्यारे बच्चों को आशीर्वाद देना है। मैं मां सरस्वती से विनती करता हूं कि वे अपनी कृपा सदा आप लोगों पर बनाए रखें, और भविष्य में जब भी आप लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उतरें तो अपने ज्ञान के आलोक से सब दिशाओं को प्रकाशमान करें।
आप लोग विद्या ग्रहण कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर हमारे समाज में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो इस विद्या से अपनी सारी उम्र वंचित रह जाते हैं। मेरा मानना यह है कि आप लोग जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं ये पुण्य का काम है, पर इस विद्या को ग्रहण करके आगे बांटना और भी पुण्य का काम है। न चौर हार्यम न च राज हार्यम, न भाति भारम न भारकारी, व्ययम कृते वर्धति एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन सर्वश्रेष्ठ धन है, ना इसे चोर चुरा सकता है, ना इसे राजा छीन सकता है, और ना ही ये हमारे ऊपर बोझ है। इसे ज्यों ज्यों दान करते हैं ये त्यों त्यों बढ़ता रहता है। आप सब लोग इस विद्या धन रूपी सर्वश्रेष्ठ धन के स्वामी हैं, इसे बांटिए, जी खोल कर बांटिए। मैं माँ सरस्वती से विनती करता हूं कि वे आपका मार्ग सदा मंगलमय बनाए रखें। शिवास्तु संति पंथान। अब मैं अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि वो बच्चों को पुरस्कार वितरण करें। नेहा शर्मा, नर्सरी क्लास। स्वाति शर्मा, फोर्थ क्लास। मिताली झांसी। मेघा शर्मा, शिप्रा शर्मा, पूजा, श्रुति, काफी थके थके लग रहे हैं आप। फंक्शन में काफी एक्सर्शन हुआ ना? कुछ नहीं बिटिया, बस यूं ही जरा शरीर अकड़ गया। अच्छा तू सुना, मेरे आज के भाषण की क्या प्रतिक्रिया रही तेरी सहेलियों पर? अरे दद्दू कमाल कर दिया आपने, सभी पर जैसे जादू सा छा गया था आपका। दद्दू क्या कमाल का श्लोक सुनाया था आपने और क्या सुंदर व्याख्या की थी। अच्छा बताना दद्दू कहां से मारा वो श्लोक? अरे बिटिया इसमें मारना कैसा, ये तो हमारी वर्षों से चली आ रही परंपरा है। ज्ञान अर्जित करना और उसको निस्वार्थ भाव से बांटना,
आदिकाल से चली आ रही हमारी परंपरा रही है और इसी परंपरा को हमारे ऋषि मुनियों ने श्रुतियों और स्मृतियों के सहारे और आगे बढ़ाया। आज तुम लोगों को एक श्लोक याद करने में पसीना आ जाता है जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों तक को कंठस्थ कर लिया था। आज जब भी मैं सामाजिक विषमता की ओर ध्यान देता हूं तो मुझे इस सब के मूल में अज्ञानता नजर आती है। कभी अज्ञानता दूर करना सामाजिक प्रतिबद्धता हुआ करती थी। समाज के बुद्धिमान व्यक्ति अज्ञानता को दूर करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दिया करते थे। महात्मा गांधी भी मुफ्त शिक्षा के प्रबल समर्थक हुआ करते थे। अच्छा दादाजी, मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। हाँ हाँ बेटा। याद है बेसंत वे अपने मनीषी, विश्व भर को स्वयं के दर्शन दिए थे। ज्ञान और विज्ञान का आलोक पाकर विश्व मानव के मलिन मन खिल उठे थे। स्वर्ग में वो सोचते क्या आज होंगे, ज्ञान को जो धर्म अपना मानते थे। आइए हम राष्ट्र को शिक्षित बनाए, अज्ञान के संताप को दिल से मिटाए। आज यदि ऐसा नहीं हमने किया तो होगी ये उन देवताओं की अवज्ञा। आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा।